हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू ब्लॉग। तो अभी ज्ञान और मैं दोनों जा रहे हैं एग्जाम के लिए, तो रूम से निकल चुके हैं। बस में जाएंगे, कॉलेज बस में। बीटेक का तो 6 सेम का एग्जाम है, तो रूम से अभी 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह ऑटो नहीं मिलेगा, ओला भी बाइक भी नहीं मिलेगा। तो सुबह सुबह 1 किलोमीटर भी पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद बस में। तो फाइनली हम अभी बस में आ गए हैं। करते हैं से अभी 1.5 घंटा लगेगा, अभी 40 से 50 किलोमीटर होगा, तो 1.5 घंटा लगेगा। हम पहुंच गए। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही हो, ये हमारा कॉलेज है। कॉलेज का कैंपस कैसे है, चलो थोड़ा आपको दिखाता हूँ। পরে কইদা ভয়েস ওভার দে। কলেজ কেসা হে ক্যা হে থোড়া কমেন্ট মে জরুর বতানা। ये है पूरा हमारा ग्राउंड, सामने है गार्डन, ये स्टेज भी है, ग्राउंड के सामने स्टेज है, ग्राउंड है। अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी 10 दिन का एग्जाम चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम चारों कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चारों एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। फिलहाल अभी अविनाश और प्रभु उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मेरा तबियत खराब हुआ तो मैं 4 महीना पहले वो कंपनी छोड़ चुका हूँ। 1 महीना हो गया, ज्ञान दूसरा कंपनी में ज्वाइन किया है। कार को रूम रे पड़ी जी, चेक चले जी। मिल ला मिल ला मिल ला मोड़ा को कितना और तर मिल ला तर मिल ला ना मिला नहीं मिला नहीं मिला। फाइनली एग्जाम तो खत्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गया है कि ज्ञान का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। कॉलेज फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो वही अभी प्रॉब्लम है। तो उसका सब पेपर शायद बैक ही लगेगा, और क्या फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो उसका एडमिट कार्ड भी नहीं है। वो तो फॉर्म फिलअप के लिए सब कुछ दिया था, पैसा दिया था और फॉर्म फिलअप किया था, सबमिट किया था ऑनलाइन में, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो इसलिए अभी कॉलेज में बोले कि नहीं, फॉर्म फिलअप तुम्हारा नहीं हुआ है। वही अभी एक प्रॉब्लम हो गया है।